बर्थडे से पहले पेरिस से लौटे रणबीर, एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुई कपूर फैमिली, पापा की गोद में दिखी नन्नी राहा, तो पैप्स की इस हरकत से परेशान हुई जूनियर आलिया। जी हाँ, अपने 42वें जन्मदिन से ठीक 3 दिन पहले बॉलीवुड के एनिमल एक्टर रणबीर कपूर विदेश से वापस अपने देश लौट आए हैं। अब से कुछ देर पहले ही रणबीर को अपनी लिटिल प्रिंसेस राहा, बीवी आलिया और मां नीतू कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट की अराइवल पर स्पॉट किया गया, जिसकी झलक को E24 ने भी अपने कैमरे में कैद किया। पेरिस से मुंबई लौटे रणबीर को अपनी पूरी फैमिली के साथ जैसे ही एयरपोर्ट पर देखा गया तो पैप्स ने उन्हें कैप्चर करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। इस दौरान रणबीर ग्रे शर्ट और डेनिम जीन्स में नजर आए, कैप और सनग्लासेस लगाए रणबीर बेहद हैंडसम भी दिख रहे थे। तो एक्टर ने अपने लिटिल प्रिंसेस राहा को भी गोद में उठाया हुआ था। पापा की गोद में दिखी राहा ब्लू कॉर्सेट में बेहद क्यूट दिखाई दे रही थी। तो एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त जहां नीतू ने अपनी लाडली पोती को किस कर बाय कहा और बेटे बहू को सी ऑफ करने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो गई, तो वहीं पेपराजी के बार बार फ्लैश का इस्तेमाल करने की वजह से लिटिल कपूर थोड़ा परेशान भी होती हुई नजर आई, जिस वजह से राहा बार बार अपनी आई ब्लिंक करती हुई भी दिखाई दी। इसके बाद रणबीर बेटी और बीवी संग अपनी लेटेस्ट लग्जरी कार में बैठकर घर के लिए रवाना भी हो गए। तो वहीं जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट यूजर्स ने देखा तो उन्होंने इस पर अपने रिएक्शंस को देना भी शुरू कर दिया। एक शख्स ने कहा, राहा फ्लैश से इरिटेट हो रही है, ये दिख रहा है। एक और ने लिखा, राहा इतनी प्यारी है, वो पैप्स को देखने के लिए टर्न हुई। एक दूसरे यूजर ने कॉमेंट किया, क्या सच में आलिया ने नीतू का हाथ पकड़ कर उन्हें आगे पुश किया, मैंने नोटिस किया है। तो एक का कॉमेंट आया, रणबीर बहुत केयरिंग डैडी है। अब लोगों के रिएक्शंस तो लगातार कपूर फैमिली के स्पॉटेड वीडियो पर देखने को मिल ही रहे हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि रणबीर, आलिया, नीतू और राहा पेरिस में छुट्टियां मनाने गए हुए थे। 9 दिनों के बाद कपूर मुंबई लौटे हैं, जहां आलिया ने लॉरियल पेरिस फैशन वीक में भी हिस्सा लिया था। यहां से बीते दिन ही आलिया के रैंप वॉक की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे। आपको बता दें कि इस साल पेरिस फैशन वीक में आलिया का डेब्यू हुआ। लॉरियल ब्रांड की ग्लोबल एम्बेसडर बनने के बाद ये पहला मौका था जब आलिया ने इस फैशन वीक के लिए रैंप वॉक किया। आलिया के रैंप वॉक के साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस ने भी हर किसी का दिल छू लिया था। दूसरी ओर रणबीर भी वेकेशन से वापस आकर अब अपना काम फिर से शुरू करने वाले हैं। रामायण की शूटिंग में तो वो बिजी होंगे ही, तो 3 दिन बाद आरके अपना 42वां जन्मदिन भी मनाने वाले हैं, जिसके लिए ही वो विदेश से वापस इंडिया आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।